हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड फन। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं गूगल असिस्टेंट के सेटअप को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि गूगल असिस्टेंट को 5 सिंपल स्टेप्स में कैसे सेटअप करना है। आपको सिर्फ 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो हम बताएंगे आज के वीडियो में, और आप यूज़ कर पाएंगे गूगल असिस्टेंट को बिल्कुल रियल लाइफ जार्विस की तरह। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के देख लेते हैं कि गूगल असिस्टेंट को आसान तरीके से कैसे सेटअप करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गूगल असिस्टेंट को सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले अपना फ़ोन अनलॉक करना है। फ़ोन अनलॉक करने के बाद हमें सीधे एप्लीकेशन ड्रॉअर में जाना है। यहाँ पे आपको गूगल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप गूगल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो गूगल सर्च पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ एक राउंड सर्कल दिखेगा, जिसको टैप करना है और सीधे सेटिंग्स सिलेक्ट कर लेना है। सेटिंग्स सिलेक्ट करते ही आपके स्क्रीन पे जो पेज ओपन होगा वो गूगल एप्लीकेशन का सेटिंग पेज होगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं। इसमें से एक ऑप्शन रहेगा गूगल असिस्टेंट का, तो आपको गूगल असिस्टेंट को सिलेक्ट करना है। जैसे आप गूगल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले ही आपको साइन इन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आपको अगर गूगल असिस्टेंट को हैंड्स फ्री यूज़ करना है तो आपको अपने गूगल अकाउंट में साइन इन करना होगा, जिसके लिए आपकी स्क्रीन पे नीचे की तरफ राइट साइड में एक ब्लू कलर का बॉक्स दिखेगा, साइन इन लिखा हुआ। आपको उसे टैप करना है। जैसे आप उसको टैप करते हैं तो आप अपने मोबाइल में जितने भी गूगल अकाउंट्स यूज़ करते हैं वो सारे अकाउंट्स आपको शो हो जाएंगे, सारे अकाउंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें से आपको कोई भी एक अकाउंट आपको सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सेपरेट अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं गूगल असिस्टेंट के लिए, तो जिसके लिए आपको ऐड अकाउंट सिलेक्ट करना है और जो भी अकाउंट आप यूज़ करना चाहते हैं वो उसकी डिटेल्स उसको एंटर करनी है। लेकिन यहाँ पे मैं अपना डिफ़ॉल्ट अकाउंट जो है उसे सिलेक्ट करता हूँ। उसे सिलेक्ट करने के बाद सीधा ओके कर लेना है। जैसे आप इसको गूगल अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपके स्क्रीन पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कि गूगल असिस्टेंट का सेटअप पेज होगा। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे गूगल असिस्टेंट को सेटअप के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप गूगल असिस्टेंट को सेटअप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हम आपको सिर्फ 5 सिंपल स्टेप्स दिखाएंगे। आपको सिर्फ वही फॉलो करना है और इसके बाद आप अपने गूगल असिस्टेंट को बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो 5 सिंपल स्टेप्स जो है वो है, सबसे पहले वॉइस रिकॉर्ड। स्टेप नंबर 1 जो है वो है वॉइस रिकॉर्ड। स्टेप नंबर 2 है लैंग्वेज सिलेक्शन। स्टेप नंबर 3 लॉक स्क्रीन परमिशन। स्टेप नंबर 4 वॉइस सिलेक्शन एंड स्टेप नंबर 5 कंटिन्यूस कन्वर्जेशन। तो चलिए दोस्तों, स्टेप नंबर 1 वॉइस रिकॉर्ड को कैसे सेटअप करना है ये हम देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन पे गूगल एंड वॉइस मैच, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में एक टॉगल देखने को मिलेगा जहाँ पे ओके गूगल लिखा हुआ है, उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक एनिमेशन देखने को मिलेगा जो आपको दिखा रहा है कि वॉइस रिकॉर्ड कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन के नीचे की तरफ राइट साइड में एक ब्लू कलर का बॉक्स दिखेगा, नेक्स्ट लिखा हुआ, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक अग्रीमेंट दिखने को मिलेगा जो बेसिकली आपसे परमिशन मांग रहा है आपकी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये परमिशन आपको देना है, ये जो अग्रीमेंट है उसको सिलेक्ट करना है। इसके लिए राइट साइड में जो है नीचे की तरफ ब्लू बॉक्स, उसे सिलेक्ट करना है, आई अग्री। जैसे आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट का जो वॉइस रिकॉर्ड है वो यहाँ पे करना है। जैसे हम फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेटअप करते हैं लॉक स्क्रीन के लिए, फिंगरप्रिंट सेटअप करते हैं, वैसे हमें यहाँ पे अपना वॉइस रिकॉर्ड करना है। तो बेसिकली ये जो वॉइस रिकॉर्ड करते हैं ये गूगल असिस्टेंट का कमांड रहेगा, एक एक्टिवेशन कमांड होगा। साथ में ये एक सिक्योरिटी फीचर की तरह भी काम करता है। आप जो भी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं ये उसी आवाज़ को पहचानेगा, ये उसी वॉइस को पहचानेगा और वो आवाज़ सुनने के बाद ही ये एक्टिवेट होता है। यानी कि अगर आपके फ़ोन में कोई और अगर कमांड देता है तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, और किसी दूसरे की आवाज़ सुन के एक्टिवेट नहीं होता है और किसी दूसरे की आवाज़ को सुन के उसको कमांड को फॉलो नहीं करता है। तो बेसिकली ये एक सिक्योरिटी फीचर भी होगा गूगल असिस्टेंट का। तो यहाँ पे हमें वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए ओके गूगल बोलना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। देखिए, ओके गूगल, ओके गूगल। तो दोस्तों, ये हमारा वॉइस रिकॉर्ड हो चुका है। जैसे ही ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ओके गूगल इज़ रेडी, योर डिवाइस कैन नाउ रिकॉग्नाइज योर वॉइस व्हेन यू से ओके गूगल। यानी कि हमारा वॉइस रिकॉर्ड हो चुका है, अभी जो गूगल असिस्टेंट है हमारे फ़ोन में वो हमारी आवाज़ को पहचानता है।
तो स्टेप नंबर वन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमें राइट साइड में जो दिया हुआ ऑप्शन है फिनिश का नीचे की तरफ, उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों ये जो है स्टेप नंबर वन कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर आप अपनी वॉइस को चेंज करना चाहते हैं या तो आपको वॉइस मॉडल जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है, और जो पहले वाला ऑप्शन है रीट्रेन वॉइस मॉडल उसको सिलेक्ट करना है और वापस से अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेना है। तो दोस्तों ये एक बार आप सही से नहीं होता है या फिर और आप अपने आवाज़ को चेंज करना चाहते हैं, वॉइस कमांड को चेंज करना चाहते हैं, वॉइस सैंपल जो दिया हुआ है इसको चेंज करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी स्टेप नंबर वन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, हमें बैक जाना है और गूगल असिस्टेंट के जो सेटअप पेज है उस पर आना है। तो चलिए दोस्तों अभी हमें स्टेप नंबर टू देखना है, वो जो है लैंग्वेज सिलेक्शन। तो उसके लिए यहाँ पे जो लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड में, उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आपको उसको सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे असिस्टेंट लैंग्वेजेस का पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें कोई भी दो लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे हमें चेंज नहीं करना है। दोस्तों इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा भी इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे आपको सेटिंग्स में, लेकिन गूगल असिस्टेंट जो है वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स में बेहतर तरीके से काम करता है, जिसके लिए हमें इसे चेंज नहीं करना है। अभी जो दूसरी लैंग्वेज हमें सेलेक्ट करनी है उसके लिए दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऐड अ लैंग्वेज। तो दोस्तों ऐड अ लैंग्वेज करने के बाद हमें यहाँ पे नीचे की तरफ जाना है और हिंदी भारत जो लिखा हुआ है उसे सिलेक्ट कर लेना है। वैसे दोस्तों ये रीजनल लैंग्वेजेस भी सपोर्ट करता है, तो जो भी आप रीजनल लैंग्वेजेस है अगर वो अवेलेबल है तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैं हिंदी भारत को सिलेक्ट करता हूँ। तो हिंदी भारत सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारी दो लैंग्वेजेस सिलेक्ट हो चुकी है, जो है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स और हिंदी भारत। यानी कि जो गूगल असिस्टेंट है हमारा वो अभी दो लैंग्वेजेस में काम करेगा, एक इंग्लिश और दूसरा हिंदी। अगर आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जिस लैंग्वेज में इसको कमांड देंगे ये उस भाषा में उस लैंग्वेज में आपको आंसर करेगा, ये उस दोनों लैंग्वेजेस में काम करेगा गूगल असिस्टेंट। तो दोस्तों हमारा स्टेप नंबर वन एंड स्टेप नंबर टू कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमारे गूगल असिस्टेंट का सेटिंग ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट हो चुका है। अभी बारी है स्टेप नंबर थ्री जो कि है लॉक स्क्रीन परमिशन की। इसे सेटअप करने के लिए हमें थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे लॉक स्क्रीन उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करते हैं तो एक पेज ओपन होगा जहाँ पे लिखा हुआ है लॉक स्क्रीन यूज़ गूगल असिस्टेंट विदाउट अनलॉकिंग योर फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपना फ़ोन बिना हाथ में लिए हैंड्स फ्री यूज़ करना है सिर्फ वॉइस कमांड के जरिए, तो आपको ये वाली परमिशन गूगल असिस्टेंट को देनी होगी, ताकि जो गूगल असिस्टेंट है वो आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर भी आपके वॉइस कमांड को फॉलो कर सके। जिसके लिए यहाँ पे जो टॉगल दिया हुआ है असिस्टेंट रिस्पॉन्सेस ऑन लॉक स्क्रीन, ये टॉगल को सिलेक्ट कर लेना है। ये ऑप्शन सिलेक्ट करते ही आप गूगल असिस्टेंट को अपने फ़ोन की लॉक स्क्रीन पे काम करने की परमिशन दे देंगे, तो अभी गूगल असिस्टेंट जो है वो लॉक स्क्रीन के ऊपर भी काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर थ्री कम्प्लीट हो चुका है, अभी हमें बैक जाना है और स्टेप नंबर फोर का सेटअप देखना है कि वो कैसे करते हैं, जो कि है वॉइस सिलेक्शन। स्टेप नंबर फोर वॉइस सिलेक्शन, इसके लिए यहाँ पे हमें असिस्टेंट वॉइस एंड साउंड को सिलेक्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, गूगल असिस्टेंट जो है वो अलग अलग टोन और अलग अलग आवाज़ में बात करता है मेल फीमेल की, तो आपको जो भी आवाज़ पसंद आती है, आप जो भी वॉइस आपको अच्छा लगता है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये है, Here are the voices you can pick for your Google Assistant. If you like this voice and want me to keep using it, just stop here. Here are the voices you can pick for your Google Assistant. If you like this voice, तो देखा दोस्तों ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। Here are the voices you can pick for your Google Assistant. तो यहाँ पे यहाँ पे आपको जो भी वॉइस अच्छा लगता है, जो भी वॉइस आपको अच्छी लगता है, पसंद आता है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका वॉइस असिस्टेंट आपसे उसी वॉइस में बात करेगा। तो ये है स्टेप नंबर फोर जो कि कंप्लीट हो चुका है, अभी हमें बैक जाना है और स्टेप नंबर फाइव जो कि लास्ट सेटअप का है, लास्ट सेटअप है वो देखते हैं। इसके लिए कंटिन्यूस कन्वर्जेशन स्टेप नंबर फाइव जो है कंटिन्यूस कन्वर्जेशन, जिसके लिए ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो पेज ओपन होगा यहाँ पर कंटिन्यूड कन्वर्जेशन, तो ये जो टॉगल दिया हुआ है ये टॉगल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि अगर आप गूगल असिस्टेंट को कुछ कमांड देते हैं तो ये आपको आंसर करेगा। उसके बाद अगर आपको फॉलो अप क्वेश्चन करना है तो जिसके लिए आपको वापस से गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसको कमांड देने की ज़रूरत नहीं होगी, एक थोड़े समय के लिए ये एक्टिवेट रहेगा जिससे आपके फॉलो अप जो कमांड है उसको सुन सके और इसके लिए रिस्पॉन्ड कर सके। तो ये जो है स्टेप नंबर फाइव कंटिन्यूस कन्वर्जेशन ये कम्प्लीट हो चुका है।
तो यानी कि दोस्तों हमारा स्टेप नंबर 5 जो था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा गूगल असिस्टेंट का जो सेटअप है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। स्टेप नंबर 1 तो स्टेप नंबर 5 कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमारा गूगल असिस्टेंट अभी पूरी तरीके से रेडी है हमारे वॉइस कमांड को फॉलो करने के लिए और काम करने के लिए। तो ये अभी काम करता है कि नहीं ये हम होम स्क्रीन पे जाके चेक कर लेते हैं। ए गूगल, हाउ आर यू टुडे? आई एम फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग। आई होप यू एंड योर लव्ड वंस आर स्टेइंग सेफ एंड हेल्थी। तो देखा दोस्तों, हमारा गूगल असिस्टेंट पूरी तरीके से रेडी है और पूरी अच्छी तरीके से काम करता है और हमारे वॉइस कमांड को फॉलो करता है। तो देखा दोस्तों, कितना सिंपल है गूगल असिस्टेंट को सेटअप करना। तो चलिए जल्दी से सेटअप कर लीजिए गूगल असिस्टेंट को अपने फ़ोन में इन 5 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके और अपने रियल लाइफ जार्विस का मजा लीजिए। साथ में हमें बताइए कि गूगल असिस्टेंट के साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। वैसे दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गूगल असिस्टेंट को कैसे यूज़ करना है, साथ में कुछ यूज़फुल कमांड्स भी आपको बताएंगे जो आप अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ कर सकेंगे। वैसे दोस्तों, हमने गूगल असिस्टेंट का इंट्रोडक्शन एंड प्रीव्यू वीडियो भी किया हुआ है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।